टू इनर व्लॉग्स और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों तक घर पे नहीं थी, कुछ काम से गई थी, मतलब जब मैं घर पे नहीं थी और एक स्पेशल चीज़ हमने नोटिस किया वो है मेरा डॉग टोगो। तो वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, मतलब इट्स लाइक वो उसका कहीं मन नहीं लग रहा था, मतलब इतना सैड हो गया था, मतलब ठीक से खाना पीना नहीं कर रहा था। मतलब उसके जो एक डॉग्स में जो रहते हैं ना, मतलब बहुत एक्साइटमेंट या एक हैप्पीनेस जो भी रहता है, मतलब घर पे रहने से थोड़ा सा उछल कूद करना या छत में दौड़ना, ये सब बिल्कुल वो इस तरह का हर एक्टिविटी बंद करके बस एक जगह कोने में पड़ा रहता था। जितना भी उसे अच्छा खाना दिया जाए या जितना भी उसके साथ खेला जाए, तो मेरे बाकी परिवार में मेरे हस्बैंड ननंद सब लोग मिल के उसे चेयरअप करने की कोशिश कर रहे थे, बट एवरीवन वाज फेल्ड क्योंकि वो मुझे मिस कर रहा था। तो ये सुन के मुझे इतना ख़राब लग रहा था ना, मतलब इट्स लाइक एक एनिमल इतना भी समझता है, मतलब हम उन्हें नहीं समझ पाते, हम ही समझदार हैं। और ये एक्चुअली दो बार हो चुका है, पहले मैं जब एक बार मायके गई थी तब ये हुआ था, वो इस तरह से चुपचाप हो चुका, पर जब मैं फिर सेकंड टाइम गई और फिर वही सेम रिएक्शन, और इस बार कुछ ज़्यादा ही वो डिप्रेस हो चुका है, मतलब इतना डिप्रेस हो चुका है कि घर में सभी को ये बहुत ख़राब लग रहा था। तो मेरी नाना मेरे हस्बैंड तो कंटिन्यू मुझे कॉल करके वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, देखो किस तरह से पड़ा हुआ है, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, वो मुझे इतना मिस कर रहा था, एंड आई एम ऑल्सो मिसिंग हिम क्योंकि मेरे साथ वो हमेशा रहता है और मैं हमेशा ही उसे खाना देती हूँ, फीड कराती हूँ। और मतलब हमारा जो बॉन्डिंग है ना, मतलब घर में वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी को डरता है तो वो मुझसे डरता है, और अगर घर में किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो मुझे करता है। तो इसी कारण मतलब हमारा बॉन्डिंग इतना ही स्ट्रांग हो चुका है। जब मैंने घर में एंटर किया और उसका जो रिएक्शन था, तो मैं उससे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इट वाज अमेजिंग, मतलब वो इतना खुश हो गया था ना मुझे देखते ही, मेरे बेटे को देखते, मेरा बेटा भी नहीं था इतना दिन। तो एक्चुअली उसके साथ खेलने के लिए अगर कोई होता है तो फिर मेरा बेटा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसके साथ थोड़ा सा खेलें। हाँ, ऐसे नॉर्मल घर पे रहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है खेलना, बट बेसिकली हर टाइम मेरे बेटे के साथ, प्रीतिश के साथ टोगो ही हमेशा ये करता है, रहता है, खेलता है। तो दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मैंने जस्ट लाइक ब्रदर्स। और वो भी नहीं था, मैं भी नहीं थी, तो उसे ये जो गैप है ये बहुत खल रहा था, मिस कर रहा था वो हमें। मतलब जब भी हमने जब वीडियो कॉल करती थी या कॉल पे ऐसे लिटरली सर्चिंग फॉर मी, मतलब वो इधर उधर ढूंढने लग जाता था मैं कहाँ, जब नहीं मिलता था तो फिर बहुत उदास हो जाता था। तो यही छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं आप लोग से और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी पेट आप घर पे रखते हैं उसे मतलब उसके साथ अपना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। मतलब ये नहीं है कि हाँ हम कहीं से उठा लाए या पेट खरीद लिया शॉप के लिए, बस उसको खाना दे रहे हैं, टाइमली खाना दे रहे हैं और बस थोड़ा सा ग्रूमिंग करा रहे हैं, ये वो, बस इस पर नहीं, उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना चाहिए हमेशा, कि वो भी एक घर का ही सदस्य है और हम जैसा रहते हैं, हम जैसा करते हैं, उसे भी हर चीज़ में शामिल करना चाहिए। तो आई थिंक मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ये कि मैं इस तरह से ही उसे ट्रीट करती हूँ हमेशा, और शायद इसीलिए ये हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा बन चुका है। और सच में इतने दिनों मैंने उसे बहुत मिस किया था, मीन्स ईच एंड एवरी डे, स्पेशली खाने के टाइम, क्योंकि हमेशा मैं उसे पहले खाना देती हूँ और फिर मैं खाने बैठती हूँ। तो जब मैं ये नहीं कर पा रही थी एंड आई वॉज लिटरली मिसिंग। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को तो मैं आने से कुछ देर पहले
तक टोगो इस तरह से एकदम सैड होकर सोया हुआ है। देखिए उसका मुंह भी देख के लग रहा है वो कितना दुखी है। और बस मेरी ननद उससे जैसे ही कहा कि पता है कौन आने वाला है, और वो जल्दी से बाहर दरवाजे की तरफ चला गया, जैसे कि उसे पता चल गया कि कोई तो आने वाला है, बट कौन है उसे समझ नहीं आ रहा है। टोगो बहुत एक्टिव रहता है हमेशा, मतलब सारा दिन उसको घर में इधर उधर दौड़ना भागना ये सभी उसका काम है। तो वो छत से लेकर घर तक हमेशा इधर उधर घूमते ही रहता है। लेकिन बस ये कुछ दिन, मैं 4 दिन के लिए गई थी, और ये 4 दिनों में वो इस तरह से मतलब एक ही जगह बैठा रहता है, सोया रहता है। मतलब उसका जैसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ हो गया है, जैसे कि मतलब मैं बता नहीं सकती मतलब वो कैसे था इतने दिनों, किस तरह से वो बिहेव कर रहा था। तो अब वो ये सीढ़ी में बैठ चुका है, और यहाँ से डायरेक्टली हमारा मेन गेट दिखता है उसे, तो कौन आता है जाता है वो यहाँ से आराम से देख पाता है। और अभी मैं एंटर करने ही वाली हूँ, उसे लगा कि कोई तो आया है हमारे गेट के सामने। और बस अभी देखिए किस तरह से इतना हैप्पी हो गया कि वो अपना टेल इतना वैग कर रहा है। मतलब अगर ये लोग बोल पाते ना तो कितना अच्छा होता। ये देखिए मुझे देखते ही, मेरे बेटे को देखते ही वो बहुत एक्टिव हो गया है, मतलब पहले कैसा था और अब कैसा है। तो बाहर हस्बैंड थे तो उसी कारण वो बाहर भी निकल गया, तो मैं फिर जाके उसे लेके आई, नहीं तो वो रोड पे चला जाता है कभी कभार। तो अभी ये देखो घर पे आने के बाद ही मेरे बेटे के ऊपर चढ़ जाता है, वो मेरे ऊपर भी चढ़ जाता है। तो इतना एक्साइटेड, इतना ही उसे मतलब प्यार बरसा रहा है ना, मतलब कितने दिनों बाद मुझसे मिला है वो। मेरा बेटा भी मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो अब देखिए वो मेरे ऊपर इस तरह से चढ़ जाता है और मुझे बताने की कोशिश कर रहा है वो कितना मिस किया मुझे। और कभी कभार लगता है ना, भगवान अगर इनको ज़बान देते तो कितना अच्छा होता, हम भी समझ पाते वो क्या कहना चाहता है। लेकिन इस तरह से जो वो समझाता है इसी से ही हम समझ जाते हैं। तो अभी वो बाहर की तरफ फिर से देख रहा है कि हस्बैंड मेरे घर के अंदर नहीं आए थे। तो सबको उसको चाहिए, मतलब कोई अगर घर से मिसिंग हो या कहीं गया हुआ हो, वो हर किसी को मतलब इतना ही मिस करता है। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड को बार बार इस तरह से पकड़ के थैंक यू कह रहे हैं और मुझे काम करने ही नहीं दे रहा है। मतलब मैं जितना भी उसे हग कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा है। मतलब इतना दिन का एक डिटैचमेंट। डॉग्स होते ही इतने अडोरेबल होते हैं कि मतलब, और उनके लिए अपना फैमिली इज़ लाइक सबसे बड़ा चीज़ है, खाने से भी बढ़कर चीज़ है। तो बस ये देखिए वो हर किसी को इस तरह से ही प्यार करता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।